नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनू गोयल स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू टॉक पर। आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूं अपनी एक स्वरचित कविता, बेटियां समझदार क्यों होती हैं। दोस्तों, अक्सर ही सुनने में आता है कि बेटियां तो समझदार होती हैं, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में जरूर आता है कि बेटियां समझदार क्यों होती हैं। क्या वे जन्म से ही समझदार होती हैं, या फिर वक्त के साथ समझदार बन जाती हैं, या यूं कहें कि उन्हें समझदार बना दिया जाता है, और वो भी शायद जन्म से ही। तो इन्हीं सवालों का जवाब पाने की एक कोशिश है मेरी यह कविता, बेटियां समझदार क्यों होती हैं। अब एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप लोगों से, अगर आपने इस कविता के किसी भी अंश को अपनी ज़िंदगी में या किसी अन्य व्यक्ति की ज़िंदगी में महसूस किया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में यस टाइप करें, ताकि पता चल सके कि 21वीं सदी में भी कितनी ज़िंदगियां इस दौर से गुजर रही हैं। पलकें बिछाकर किसी का आज इंतजार हो रहा था, पलकें बिछाकर किसी का आज इंतजार हो रहा था, हो भी क्यों ना घर में एक नई जिंदगी का आगमन जो हो रहा था। तभी गूंजी वहां एक नन्ही परी की किलकारी, तभी गूंजी वहां एक नन्ही परी की किलकारी, और क्षण भर में उड़ गई परिजनों की आंखों की चमक सारी। जब भी किसी मिलने वाले की होती थी आहट, जब भी किसी मिलने वाले की होती थी आहट, परिजनों के चेहरे पर नजर आती थी बुझी सी मुस्कुराहट। आगंतुक भी क्या खूब कमाल दिखाते थे, आगंतुक भी क्या खूब कमाल दिखाते थे, खुशी कम और सांत्वना ज्यादा जताते थे। अब तो नन्ही परी भी कतरा रही थी मुस्कुराने से, अब तो नन्ही परी भी कतरा रही थी मुस्कुराने से, पूछ रही थी उसकी मासूम आंखें, क्यों नहीं हो खुश मेरे आने से। पढ़कर बेटी के मन के भाव माँ ने उसे गले से लगाया, पढ़कर बेटी के मन के भाव माँ ने उसे गले से लगाया, और तुरंत उसका सिर सहलाते हुए उसे प्यार से समझाया। ओ मेरी नन्ही जान, ओ मेरी नन्ही जान, तुम ना हो परेशान, ना करो तुम इन लोगों की बातों पर इतना सोच विचार, ना करो तुम इन लोगों की बातों पर इतना सोच विचार, इनकी तुझ सोच के अनुरूप है इनका व्यवहार। पाकर माँ के प्यार की गर्माहट, पाकर माँ के प्यार की गर्माहट, लौट आई थी बेटी के चेहरे की खिलखिलाहट। देखकर यह सब नजारा, देखकर यह सब नजारा, सोच रहा था मेरा मन बेचारा, आज फिर एक बेटी लोगों की सोच का शिकार हो गई, आज फिर एक बेटी लोगों की सोच का शिकार हो गई, और वक्त से पहले ही समझदार हो गई, और मिल गया था मुझे मेरे प्रश्न का जवाब। एक बेटी दुनिया में आते ही ऐसे लोगों से दो चार होती है, एक बेटी दुनिया में आते ही ऐसे लोगों से दो चार होती है, और शायद इसीलिए ही बेटियां समझदार होती हैं, समझदार होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये रचना पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और रचनाएं सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल W Talk पर।